अगर आपको भी हमारे नए वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे बटन को जरूर दबा दें। मेहमानों के पास भी आप मुझे जाना, मैं आऊंगी सर आपके पास जल्दी से। तहसीन जी वो कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था, क्योंकि वही वो कमजोर कड़ी है जिस पर आप अटैक करेंगे, या फिर कुछ और भी है आपके प्लेट में? देखिए संबित भाई, सबसे पहले तो कुछ कह रहे थे सर झुकाने की बात, सर उठाने की बात। देखिए जो सियासत है, जो हुकूमत में, हमेशा उनको सर झुकाना चाहिए, जो आवाम है उनको सर उठाना चाहिए। उल्टा यहाँ पर उल्टा हो रहा है। मोदी जी सर उठाकर कहते हैं कि जो उनसे सवाल पूछे उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। तो संबित भाई, सबसे पहले जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक पर जाता है। आपका ये जो विवेक है, इसे आप कंट्रोल में रखें, अहंकार को कंट्रोल में रखें। अहंकार रावण का भी नहीं टिका। अब आपने कुछ आंकड़े मुझे देने की भी इजाजत दीजिए। आपने ये कहा कि 5% पर आपका GDP है। दुर्भाग्य की बात है कि विश्व में वर्ल्ड बैंक हो या IMF, जिनके आप एग्जांपल देते थे, वो कोई भी आपके GDP के आंकड़े को नहीं मानता। आपने GDP की परिभाषा चेंज करी, आज आपका GDP 2.5% पे। आप फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं करते, जो 8% है, जिसमें आप PSU उसको नहीं गिनते। 8% फिस्कल डेफिसिट कभी भी मनमोहन सिंह जी की हुकूमत में नहीं थी, और तब ऑयल का दाम $140 था, आज ऑयल का दाम औसतन $50 से $60 है। लेकिन संबित भाई आप झूठ बोलते, मैं आपकी सारी बात मानता हूं। आप दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, हालांकि लोडाउन है। आप मुझे बता दीजिए पाले जी से लेके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स तक, यहां तक कि जो आपके NSSO के रिपोर्टर कहते हैं किसी के पास नौकरी नहीं, कंपनीज बंद होते, ऑटोमोबाइल्स की सेल गिर गए। जब मैं आज तक पे था, निर्मला सीतारमण ने कुछ स्टेप्स उठाए, हमने कहा ये गलत है, आपने कहा पाकिस्तान जाओ। आज उन्हीं स्टेप्स को आज तक पे निर्मला सीतारमण जी ने दोबारा वापस ले लिया। आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनते? जब नोटबंदी किया, अहंकार में आपने कहा 50 दिन का समय दो, मुझे किसी भी चौराहे पे मिलो। आप चौराहे पे हमें क्यों नहीं मिलते? एक जवाब आप दीजिए। I will prove it. Yes, sir. आपको मालूम नहीं है कि ये मोदी सरकार क्या क्या काम कर रही है? पता है? जब हो जाता है तब आपको पता चलता है। एक छोटा सा एग्जांपल, अहमदाबाद से 28 किलोमीटर दूर पे ढोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी, और उसका 40% काम पूरा हो चुका है। इनको जानकारी नहीं है? देखिए ये मंदी का दौर है। स्मार्ट सिटी बता क्या बताएंगे, स्मार्ट सिटी, देखिए स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? आप देखिए साइट खोल के, दुबई की जस्ट डबल डुप्लीकेट कॉपी वहां पे बन रही है, ग्लोबल हब बन रहा है। आप सोचिए उनका विजन कहां जा रहा है? ये टेम्परेरी फेस से बिल्कुल मतलब सर, पहला स्मार्ट सिटी वो गारदा चैटर्जी बैठा है वेस्ट बंगाल में, बना दिए ममता जी ने, पूछिए ममता जी ने बना दिए आपको नहीं, कोलकाता के बाहर ये ऑलरेडी बन गए। ममता जी ऐसा एडवर्टाइजिंग नहीं करते, 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग, मेरा फोकस आपके साथ ये भाई था, ममता जी नहीं करती। पूछो गारदा चैटर्जी बन गया कोलकाता के बाहर, ऑलरेडी बन गया है। मोदी सरकार अवेयर है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है और पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन उससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। टेम्परेरी फेज है और बहुत जल्दी ये निकल जाएगा। नंबर टू, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? मानसून में वैसे ही गड़बड़ाता है मामला। अरे सर, 15 सितंबर के बाद, 15 सितंबर के बाद आप देखेंगे सेल कैसे बूस्ट करेगी, तब आप क्या करेंगे? इससे नहीं चलेगा। लेकिन इंटरनेशनल जानकार से पूछे, 6 क्वार्टर से क्या हुआ है सर? गाड़ी मोदी जी कहते नाले के गैस पे पकोड़ा डालो, इसको रोजगार कितने, NSSO का डेटा कितना, पूछिए इसका सर। जनता जो है मोदी के साथ है 130 करोड़। अरे जनता सर्कस भी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कैसा बयान है तेजी पूरा वाला, जनता सर्कस भी जाती है, सर्कस में क्लाउन को भी सहलाती है, इसका मतलब ये नहीं कि सर्कस बहुत अच्छा है, बिल्कुल कैसा बयान है, सर्कस में भी जाती है जनता, पिक्चर भी देखती है, क्रिकेट मैच भी देखती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई इकोनॉमिक सेंस है। इकोनॉमिक सेंस है सर, ऐसा है, अरे ऐसा है, एक सेकंड, स्टूडियो में ना एक्सपर्ट बन के बैठ जाने से नहीं आता इकोनॉमिक सेंस। ये देश की सरकारें तो ऐसी जनता है कि प्याज की महंगाई होने पर सरकारें गिरा देती है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? झूठ बोलते हैं, कहां NSSO का डेटा? हाँ तो आप बताइए ना, कहां है राहुल गांधी, कहां है आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? NSSO का डेटा कहां है, पूछिए आप इनसे, आप पूछिए जनता के बीच जाइए ना, प्याज पे सरकार गिरती है। क्या मेरी बात में सच्चाई है? देश में प्याज की कीमत पे सरकार गिरती है। जनता के विवेक पर सवाल मत खड़ा कीजिए। गारदा चैटर्जी समझ जी, एक सेकंड, अरे आप दोनों स्टूडियो में बैठे, इसका मतलब ये नहीं, प्लीज प्लीज स्टूडियो में बैठे, क्या स्टूडियो में बैठे,
कांग्रेस का फायदा मत उठाइए प्लीज। 50 दिन में चौराहे पे मिलने वाले थे, 50 दिन में चौराहे पे मिलने वाले थे, जीएसटी का रिटर्न्स नहीं दे रहे, क्या करोड़ कॉर्पोरेट्स को दे रहे। स्टूडियो में बैठने का फायदा मत उठाइए प्लीज। गार्गा चैटर्जी एक साथ जवाब दीजिएगा समित पर प्लीज। आप दोनों स्टूडियो में बैठने का फायदा मत उठाइए प्लीज। गार्गा चैटर्जी, गार्गा चैटर्जी, जनता क्यों है मोदी के साथ से है? और हम क्योंकि हम कोलकाता में हैं और बंगाली हैं, तो ये पहले जो 100 दिन है इसका जो आंकड़ा हमारे यहाँ का दृष्टिकोण से हम देखते हैं उसका थोड़ा ब्यौरा दे देते हैं। मुझे 2 मिनट दे दीजिए क्योंकि मैंने कुछ बोला नहीं अब तक। पहले 100 दिन में हमने जो देखे हैं कि 17 लाख बंगाली, जिसमें 11 लाख हिंदू बंगाली, उसको राष्ट्रहीन कर दिया गया है, नागरिक सिटीजनशिप का लिस्ट से उनको दरकिनार किया गया है। उसमें एक देखिए डिटेंशन कैंप्स बनाए गए हैं जो नाथसी लोगों के टाइप का डिटेंशन कैंप्स है, उनमें हजारों बंगाली भरे गए हैं जिसमें ज़्यादातर हिंदू बंगाली हैं, और जो बंगाली विरोधी जो जानवर हैं वो ये सुन के हंसते हैं, और एक नमूना यहाँ आपका स्क्रीन में भी है। बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो बांग्ला से दूर लिया जा रहा है। यूबीआई को यहाँ पे जानवर बोला जाएगा और ये आप सुनेंगे। मैं बिल्कुल इसको ऑब्जेक्शन करता हूँ। आप क्या बंगाली विरोधी हैं? आप क्या बंगाली विरोधी हैं? आप क्या बंगाली विरोधी हैं? हम बोले हैं कि बंगाली विरोधी जो जानवर है, हाँ नहीं नहीं गार्गा जी, मैं साथ बंगाली विरोधी जानवर जो है वो जानवर है, जो बंगाली विरोधी है वो जानवर है, जो बंगाली विरोधी है वो जानवर है, बंगाली विरोधी जानवर जहाँ जिसका एक नमूना यहाँ टीवी पे बैठा है, बंगाली विरोधी है वो जानवर है। यंदिरा जी को नमूना बोलो, यंदिरा जी को जानवर बोला आपने, जिसको जानवर विरोधी है वो जानवर, जानवर बोला आपने मिस्टर गार्गा, जानवर बोला आपने, जानवर टीवी पे बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है जानवर? ये गलत पढ़े हाँ, कौन ये इतने आपके सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, और आप देखिए अपनी भाषा जानबूझ के ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, इससे बहस नहीं होती है। अगर आपको यहाँ पर ड्रामा और सीन क्रिएट करना है तो मुझे, मैं आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि आप शो छोड़ के जा सकते हैं। मुझे लगता है ये अपमान है जनता का जो आपको देख रही है, क्योंकि वो अपने नेताओं से ऐसी भाषा का कभी भी उम्मीद नहीं रखते। अमित जी मेहमानों के पास भी आप मुझे जाना, मैं आऊंगी सर आपके पास जल्दी से। तहसीन जी वो कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था, क्योंकि वही वो कमजोर कड़ी है जिस पर आप अटैक करेंगे, या फिर कुछ और भी है आपके प्लेट में? देखिए संबित भाई, सबसे पहले तो कुछ कह रहे थे सर झुकाने की बात, सर उठाने की बात। देखिए जो सियासत है, जो हुकूमत में हमेशा उनको सर झुकाना चाहिए, जो आवाम में उनको सर उठाना चाहिए, उल्टा यहाँ पर उल्टा हो रहा है। मोदी जी सर उठाकर कहते हैं कि जो उनसे सवाल पूछे उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। तो संबित भाई, सबसे पहले जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक पर जाता है। आपका ये जो विवेक है इसे आप कंट्रोल में रखें, अहंकार को कंट्रोल में रखें। अहंकार रावण का भी नहीं टिका। अब आपने कुछ आंकड़े मुझे देने की भी इजाजत दीजिए। आपने ये कहा कि 5% पर आपका GDP है। दुर्भाग्य की बात है कि विश्व में वर्ल्ड बैंक हो या IMF, जिनके आप एग्जांपल देते थे, वो कोई भी आपके GDP के आंकड़े को नहीं मानता। आपने GDP की परिभाषा चेंज करी, आज आपका GDP 2.5% पे। आप फिस्कल डेफिसिट की बात नहीं करते जो 8% है, जिसमें आप PSU उसको नहीं गिनते। 8% फिस्कल डेफिसिट कभी भी मनमोहन सिंह जी की हुकूमत में नहीं थी, और तब ऑयल का दाम $140 था, आज ऑयल का दाम औसतन $50 से $60 है। लेकिन समित भाई आप झूठ बोलते, मैं आपकी सारी बात मानता हूं, आप दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, हालांकि लोडाउन है। आप मुझे बता दीजिए पाले जी से लेके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स तक, यहां तक कि जो आपके NSSO के रिपोर्टर कहते हैं किसी के पास नौकरी नहीं, कंपनीज बंद होते, ऑटोमोबाइल्स की सेल गिर गए। जब मैं आज तक पे था, निर्मला सीतारमण ने कुछ स्टेप्स उठाए, हमने कहा ये गलत है, आपने कहा पाकिस्तान जाओ। आज उन्हीं स्टेप्स को आज तक पे निर्मला सीतारमण जी ने दोबारा वापस ले लिया। आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनते? जब नोटबंदी किया अहंकार में आपने कहा 50 दिन का समय दो, मुझे किसी भी चौराहे पे मिलो। आप चौराहे पे हमें क्यों नहीं मिलते? एक जवाब आप दीजिए। नेगेटिव आर्गुमेंट, ये नेगेटिव, ये सच्चाई है, आई विल प्रूव इट, ये सच्चाई है, आई विल प्रूव इट विद इन सेकंड, आई विल प्रूव इट। यस सर, आपको मालूम नहीं है कि ये मोदी सरकार क्या-क्या काम कर रही है? पता है, जब हो जाता है तब आपको पता चलता है। एक छोटा सा एग्जांपल, अहमदाबाद से 28 किलोमीटर दूर पे ढोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी, और उसका 40% काम पूरा हो चुका है। इनको जानकारी नहीं है? देखिए ये मंदी का दौर, स्मार्ट सिटी बता के आप बताएंगे क्या अर्थव्यवस्था ठीक है? स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? आप देखिए साइट खोल के, दुबई की जस्ट डबल डुप्लीकेट कॉपी वहां पे बन रही है, ग्लोबल हब बन रहा है। आप सोचिए उनका विजन कहां जा रहा है? ये टेम्परेरी फेस से बिल्कुल मतलब सर, पहला स्मार्ट सिटी वो गार्गा चैटर्जी बैठा है वेस्ट बंगाल में, बना दिए ममता जी ने, पूछिए ममता जी ने बना दिए आपको नहीं? कोलकाता के बाहर ये ऑलरेडी बन गए। ममता जी ऐसा एडवर्टाइजिंग नहीं करते, 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग, मेरा फोकस अब ममता जी नहीं करती। पूछो गार्गा चैटर्जी बन गया कोलकाता के बाहर, ऑलरेडी बन गया है। मोदी सरकार अवेयर है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है और पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन उससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। टेम्परेरी फेज है,
और बहुत जल्दी ये निकल जाएगा। नंबर टू अभी कौन सा सीजन चल रहा है? मानसून में वैसे ही गड़बड़ाता है मामला। अरे सर, 15 सितंबर के बाद आप देखेंगे सेल कैसे बूस्ट करेगी, तब आप क्या करेंगे? इससे नहीं चलेगा। आप लोग फेथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जनता जो है मोदी के साथ है। 130 करोड़ जनता सर्कस भी जाती है, सर्कस में क्लाउन को भी सहराती है। इसका मतलब ये नहीं कि सर्कस बहुत अच्छी है, बिल्कुल सर्कस में भी जाती है, पिक्चर भी देखती है, क्रिकेट मैच भी देखती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई इकोनॉमिक सेंस है। ऐसा है, अरे ऐसा है, एक सेकंड, स्टूडियो में ना एक्सपर्ट बन के बैठ जाने से नहीं आता इकोनॉमिक सेंस। ये देश की सरकारें तो ऐसी जनता है कि प्याज की महंगाई होने पर सरकारें गिरा देती है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? झूठ बोलते हैं, कहां एनएसएस का डेटा? हां तो आप बताइए ना, कहां है राहुल गांधी, कहां है आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? एनएसएस का डेटा कहां है, पूछिए आप इनसे। आप आज भी कहते हैं जनता के बीच जाइए ना, प्याज पे सरकार गिरती है। क्या मेरी बात में सच्चाई है? देश में प्याज की कीमत पे सरकार गिरती है। जनता के विवेक पर सवाल मत खड़ा कीजिए। गाजा चाचा जी, समझ जी, एक सेकंड। अरे आप दोनों स्टूडियो में बैठे, इसका मतलब ये नहीं, प्लीज प्लीज स्टूडियो में जवाब दिया। क्या स्टूडियो में बैठे इसका फायदा मत उठाइए प्लीज। 50 दिन में चौराहे पे मिलने वाले थे, 50 दिन में चौराहे पे मिलने वाले थे, जीएसटी का रिटर्न्स नहीं दे रहे, 4 लाख करोड़ कॉर्पोरेट्स को दे रहे। स्टूडियो में बैठे इसका फायदा मत उठाइए प्लीज। गार्गा चैटर्जी, एक साथ जवाब दीजिएगा समित पाल प्लीज। आप दोनों स्टूडियो में बैठे इसका फायदा मत उठाइए प्लीज। गार्गा चैटर्जी, जनता क्यों है मोदी के साथ से है? और हम क्योंकि हम कोलकाता में हैं और बंगाली हैं, तो ये पहले जो 100 दिन है इसका जो आंकड़ा हमारे यहाँ का दृष्टिकोण से हम देखते हैं, उसका थोड़ा ब्यौरा दे देते हैं। मुझे 2 मिनट दे दीजिए क्योंकि मैंने कुछ बोला नहीं अब तक। पहले 100 दिन में हमने जो देखे हैं कि 17 लाख बंगाली, जिसमें 11 लाख हिंदू बंगाली, उसको राष्ट्रहीन कर दिया गया है, नागरिक सिटीजनशिप का लिस्ट से उनको दरकिनार किया गया है। उसमें एक देखिए डिटेंशन कैंप्स बनाए गए हैं, जो नाथसी लोगों के टाइप का डिटेंशन कैंप्स है, उनमें हजारों बंगाली भरे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर हिंदू बंगाली हैं। और जो बंगाली विरोधी जो जानवर हैं वो ये सुन के हंसते हैं, और एक नमूना यहाँ आपका स्क्रीन में भी है। बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो बांग्ला से दूर लिया जा रहा है। यूबीआई यहाँ पे जानवर बोला जाएगा, और ये आप सुनेंगे, मैं बिल्कुल इसको ऑब्जेक्शन करता हूं। आप क्या बंगाली विरोधी हैं? आप क्या बंगाली विरोधी हैं? आप क्या बंगाली विरोधी हैं? हम बोले हैं कि बंगाली विरोधी जो जानवर है, हां है, नहीं नहीं गार्गा जी, मैं साथ बंगाली विरोधी जानवर जो है वो जानवर है, जो बंगाली विरोधी है वो जानवर है, जो बंगाली विरोधी है वो जानवर है, बंगाली विरोधी जानवर जहाँ जिसका एक नमूना यहाँ टीवी पे बैठा है, बंगाली विरोधी है वो जानवर है। यंदना जी को नमूना बोल रहे, यंदना जी को जब जानवर बोला आपने, जिसको जानवर विरोधी है वो जानवर, जिसको जानवर बोला आपने, किसको जानवर बोला आपने? जानवर टीवी पे बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है जानवर? ये गलत पढ़े कौन? ये इतने सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, राहुल गांधी जैसे, और आप देखिए अपनी भाषा, जानबूझ के ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, इससे बहस नहीं होती है। अगर आपको यहाँ पर ड्रामा और सीन क्रिएट करना है तो मुझे, मैं आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि आप शो छोड़ के जा सकते हैं। मुझे लगता है ये अपमान है जनता का जो आपको देख रही है, क्योंकि वो अपने नेताओं से ऐसी भाषा का कभी भी उम्मीद नहीं रखती।